Okay guys, look at here. फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जनरली ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मीन्स ये जो आपका चैप्टर ये टोटल बिलोंग करता है एग्रीकल्चर, ओके। तो इसमें पूरा जो है एग्रीकल्चर के बारे में क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करने वाले, ओके। सो फूड प्रोडक्शन जो होता है वो मेन मेथड होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कोई भी फूड का जो सोर्स होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। बट उस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, बहुत सारा स्टेप्स होता है, यानी कि उसका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टफ होता है, ओके। जनरली फूड को जब लेते हैं आप लोग देखना, सीजी है तो सबको पता है, ऑलमोस्ट जितना भी इंडिया है सब जगह ये चलता ही है। तो फसल जब आती है उससे पहले जो फसल का जो पूरा मैनेजमेंट होता है आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो उसको क्या करते हैं हम लोग, जो बेसिकली पावरिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है, उस टाइमिंग से स्टार्ट। म्यूट योर माइक। ओके, देखो, सो एग्रीकल्चर के अंडर देखोगे तो आपको एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी हो गया, एपिकल्चर हो गया, एक्वाकल्चर है, ठीक है, और अभी आप बेसिकली एक आ रहा है एडवांस में आता है हाइड्रोपोनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री है आपका, और क्या है देखो गिवन, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, तो ये कंडीशन तो पता ही है, सब जानते ही इसके बारे में कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होता है, जो पशुपालन होता है, ठीक है, पशुपालन जानते हो ना, ठीक है, जैसे कि काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, रैबिट है, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, पालते हैं। फिशरी में टोटल क्या होता है, फिश का कल्चर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिश है जैसे कि रोहू है, कतला है, ठीक है, इनका क्या करते हैं, फिशरी करते हैं, यानी कि इनका पालन करते हैं, उसके बाद इसको मार्केट वैल्यू से क्या करते हैं, बेचते हैं, यानी कि ये भी क्या है, एक क्रॉप ही है। उसके बाद आपका एपिकल्चर हो गया, आपका एक और कंडीशन क्या बोला, पोल्ट्री हो गया, यानी कि आपका जो बेसिकली क्या होता है, जो हेन है, ठीक है, डक है, ये इसके अंदर आ जाता है। मशरूम प्रोडक्शन बेसिकली पता है आज के डेट में मशरूम प्रोडक्शन भी बहुत ही ज्यादा क्या है, बेस्ट फार्मिंग का टेक्निक है। इसके बाद कुछ एडवांस फार्मिंग आया है, एडवांस फार्मिंग में एक आता है हाइड्रोपोनिक्स कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें फिशरी से जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसको पाइप के थ्रू, यानी कि बड़े बड़े पाइप के थ्रू एक फॉर्म में रेडी करते हैं, यानी कि एक ऐसा कॉनिकल शेप रेडी करते हैं, ये देखो ऐसा। और इसमें टोटल क्या होता है, जो फिशरी करते हैं ना, फिशरी का जो भी वेस्ट होता है उन सबको इसमें फ्लो करते हैं। अब इसके बीच बीच में ऐसा शेप रहता है, यानी कि जो पाइप होता है, ठीक है, उसके बीच बीच में होल होता है, और इन होल्स में जनरली ऐसा गेपिंग होता है, कंटेन करता है ये डिपेंडिंग में, ठीक है, ऐसा होल रहता है, और इसमें फिर क्या करते हैं, क्रॉप एड करते हैं, जैसे कि कोई भी स्पिंच है या कोई भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उन सबको इसमें ग्रो करते हैं। तो ऐसा जो फार्मिंग टेक्निक होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा एडवांस और ये होता है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फूड, आज के डेट में सबसे महंगा बिकने वाला फूड है ये ऑर्गेनिक फूड। अगर ऑर्गेनिक फूड को इस कल्चर से, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कल्चर से अगर ग्रो करते हैं तो इस फूड की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते, एक बात याद रखना, पूरा का पूरा क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक खाओगे आपके हेल्थ के लिए उतना ही क्या रहेगा, वो बेटर रहेगा, ठीक है। ये टेक्निक हो गया। एक आग का बहुत सारा आ रहा है अब, जैसे कि फिशरी में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए। एक होता है लैंड वाला पॉन्ड कल्चर, तो पॉन्ड कल्चर में क्या करते हैं, तालाब में ही डायरेक्ट डाल देते हैं। लेकिन एक होता है जिसको बोलते हैं एक्वाकल्चर के अंदर आता है आरएस सिस्टम, ठीक है। और एक आता है आपका बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक जानते हो, डू नो अबाउट द बायोफ्लॉक? बायोफ्लॉक इज अ टैंक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सिंपल टैंक होता है, जैसे ये आपका क्लासरूम है तो यहाँ दो टैंक आ सकते हैं बायोफ्लॉक, और उस टैंक के अंदर कम से कम 1000-1000 मछलियों को या 700 मछलियों को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, समझ में आ रहा है, सिर्फ एक छोटे से टैंक में, ओके। उसके बाद आता है एक आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है फिशरी का, एक्वाकल्चर का, कि उसमें फूड हम लोग उसको देते ही नहीं, ठीक है, उसमें एक मशीन होता है जिसके थ्रू क्या करता है, उसके जितने भी वेस्ट होता है जिसका भी हम लोग यहाँ पे क्रॉपिंग कर रहे हैं उसी को फिल्टर करके वापस उसी को देता है, समझ में आ रहा है। तो उसमें जो होता है टोटल लॉस जो होता है कम होता है, क्योंकि प्रॉफिट हमको ज्यादा मिलने वाला है, बट मशीन का खर्चा आ जाता है। तो ये टेक्निक्स है, आज के डेट में बहुत सारे टेक्निक्स है इनके अंदर, तो इन सब का कंप्लीट स्टडी जो होता है वो किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा ब्रांच है साइंस का, याद रखना,
ठीक है, इसका जितना भी एक्सपेरिमेंटल व्यू है वो आपको सीजी में मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा जितने भी एरियाज है हर जगह। जैसे आप चले जाओगे दूर के एरिया, दूर के एरिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पे एपीकल्चर और फिशरी का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, आप एनिमल हस्बेंड्री के लिए काउ साइड जानते ही हो, ठीक है, पशुपालन के लिए बहुत सारे लोग हैं जो गाय को भैंस को पाल के उसका क्या करते हैं, मिल्किंग का प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, अच्छा हनी बीज जानते हो, हनी बीज को जनरली कल्चर करके उनसे क्या प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, वैक्स, एक प्रोड्यूस करते हैं वैक्स, वैक्स तो पता है ना। ठीक है, एक प्रोड्यूस करते हैं क्या, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है हनी बी का, हनी होता है ना, हनी बी को क्यों कल्चर करते हैं, हनीज के लिए। तो हनी हो गया एंड बेसिकली वैक्स हो गया, जो उसका बनता है ना जिसको उसका बोलते हैं नेट छत्ता, वो होता है वैक्स मोम का, तो उसको प्रोड्यूस करते हैं एंड बेसिकली विरोम प्रोड्यूस होता है। विरोम मतलब जो वो काटता है ना, वो जो पॉइजन जिससे वो काटता है, तो उस पॉइजन को कलेक्ट करते हैं और सबसे महंगा बिकने वाला है उसका पॉइजन, समझ में आ रहा है, सबसे महंगा, क्योंकि वो एज अ मेडिसिन यूज होता है और सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, चाहे वो स्नेक पॉइजन हो, स्नेक विनोम हो, चाहे आपका हनी बी का। ठीक है, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो हनी बो के जो हनी बीज है उनको सिर्फ उनके विनोम के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उनको कल्चर करते हैं। ठीक है, एक स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट होता है जिनसे वो लोग जाके क्या करते हैं, उसको काटना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा ग्लास के थ्रू अंदर जाके 5 ml 10 ml का क्या बनता है, उनका जहर बनता है, विनोम बनता है, और वो विनोम फिर मार्केट वैल्यू से क्या होता है बिकता है, जिसका रेट करोड़ों में होता है, 5 ml 10 ml का। ओके, नेक्स्ट देखो, क्या लगता है कितना काटता होगा, जब वो काटता है कितना एंगल जाता होगा, कितना ml रहता होगा, जैसे सुई को जैसे पानी में डुबा के निकाल देते हैं ना, सेम उतना ही एंगल रहता है, मतलब कि 5 ml अगर कलेक्ट करना है तो पूरे के पूरे हनीबी का जो ग्रुप है वो एक साथ जब काटेगा तब जाके 1 drop 2 drop ऐसे विनोम गिरता है, तो बहुत भी ज्यादा क्या होता है ये, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में बनता है, तो कल्चरिंग है ये एक टाइप का और एडवांस कल्चर है। लेकिन हम लोग इसमें टोटल क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या मेथड यूज करते हैं, यानी कि जो उसका कल्टिवेशन होता है, जो फार्मिंग रेड करते हैं, फॉर्म रेड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो खेत को तैयार कैसे करते हैं, फिर उसमें जोताई जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, क्रॉपिंग यील्ड क्या क्या होता है, A to Z। जो देखो पहला टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आपके सीजी में कितने क्रॉप्स होते हैं, कितने टाइप्स के क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, बताओ। टाइप्स ऑफ क्रॉप पता है कि नहीं है, टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी खरीफ, सुने वर्ड, ऑटम क्रॉप्स, स्प्रिंग क्रॉप्स, जानते हो, नहीं जानते, धान जानते हो और चना जानते हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी अगर मैं चना को कल्टीवेट कर दूं, उगा दूं, तो उगेगा, हाँ उगना चाहिए, उगता है कि नहीं उगता, अभी गेहूं उगा दूं तो उगेगा, उग जाएगा, उगा के देखते हैं उग जाता है। चलो भाई आप लोग बताओ कैसे उग जाता है, एक्चुअल में घर में नहीं उगाना है उसको, फॉर्म में उगाना है। सोच लो अगर मैं गेहूं यूज कर रहा हूँ, वीट यूज कर रहा हूँ, वीट पैडी ये सब है, उनको मैं अगर फॉर्म में डाल रहा हूँ तो क्या वो प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट हो पाएगा, हाँ। तो इसके बेसिस पे जो क्रॉप होता है, ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किसको, क्रॉप को 2 parts में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं क्या, खरीफ, खरीफ जिसको बोलते हैं ऑटम, ऑटम तो पता है ना, ठीक है, बरसात का फर्स्ट जो सीजन होता है ऑटम, आपका ऑटम क्रॉप्स, क्रॉप्स, और एक क्या है आपका रवि, जिसको क्या बोलते हैं गाइस, स्प्रिंग क्रॉप्स। ठंडी के टाइमिंग में बसंत का जो महीना होता है ना, वहां से स्टार्ट होता है। अब पॉइंट समझना, ये जो टाइमिंग होता है उसमें जो रेन होता है, रेन की जो क्वांटिटी होती है, रेनी, ठीक है, बारिश, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मोर देन, बहुत ज्यादा होता है ना। अब ऐसे टाइमिंग में सिर्फ वही प्लांट क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा क्या रिक्वायर करे, पानी रिक्वायर करे, वाटर की जिनको जरूरत है, सिर्फ वही क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है, या ये जो मौसम है आपका, जो खरीफ क्रॉप्स है उसके अंदर आता है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, बताओ,
क्या क्या इसके अंडर आता है, इस मौसम में क्या क्या बोते हैं, अभी का टाइमिंग में क्या क्या देखते हो आप खेतों में? हाँ पैडी हो गया, और क्या देखते हो बताओ बताओ? सोयाबीन देखते हो? सोयाबीन नहीं देखे? सोयाबीन रहता है, और क्या देखते हो? हाँ तो ऐसे बहुत सारे क्या है आपका कल्टीवेटिंग फॉर्म्स है। उसके बाद जो रबी और स्प्रिंग क्रॉप होता है इनमें पानी की जरूरत यानी इनको जो वाटर होता है उनकी रिक्वायरमेंट इनको बहुत कम होती है, बट इस टाइमिंग में ऐसे क्रॉप का यूज करते जो कम पानी में और ज्यादा टेम्परेचर में क्या हो अपने आप को ग्रो कर ले। तो इसमें आपका क्या आता है, ग्राम आता है, चना आता है, वीट आता है। गेहूं में जनरली पानी चाहिए होता है लेकिन कम पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर उसको पानी डाल के रखोगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। चने में अगर पानी डाल के रखोगे पूरे खेत में तो सड़ जाएगा, लेकिन धान में पूरा पानी डाल के रखते हैं ना, देखो कि नहीं। धान का जो क्या होता है प्लांट होता है उसका सिर्फ टिप वाला पोर्शन ऊपर रहता है, पूरा पानी में कवर रहता है, यानी उसको उतना ज्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, तब जाके उसका क्या होता है, उसका बेसिकली ग्रोथ होता है। तो ये पॉइंट्स हैं। तो वो सब किस में आ गया, इसमें रबी में आपके आ गया चना यानी कि आपका ग्राम, ठीक है, आपका मसूर आता है इसमें, और क्या यूज करते हैं, और जितने भी क्या होते हैं ऑयली फूड्स होते हैं उन सबको, ऑयली क्रॉप्स को इसमें यूज करते हैं। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक और सर्कल चलता है, एक और सर्कल चलता है किसका, क्रॉप्स का, जिसको बोलते हैं जनरल पीजी लैंग्वेज में गर्मी धान बोलते हैं या गर्मी फसल बोलते हैं, ठीक है, और साइंस के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स समर के डेज, समर डेज में जनरली देखना जब ये पूरा इसका जो कल्टीवेशन हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है, उसके बाद एक और फसल लगाते हैं जो धान का ही रहता है। देखो आप लोग कि नहीं देखो, डबल फसल बोलते हो उसको, एक तो है ही, दूसरा भी लगाते हैं और तीसरा भी लगाते हैं, यानी कि एक साल के अंदर तीन तीन फसलें क्या होती है, ग्रोथ होती है। आ रहा है पॉइंट समझ में? ओके, सो ये सारे पॉइंट्स है गाइस। तो देखो कंटिन्यू, देखो वहीं पे कंडीशन हाईलाइट करना। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में, डू ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन द सेम सीजन? Different crops are grow and their yield are collected in different season. Growth of the crops, their production depend on the factor soil, rainfall, light and temperature factor. Most important highlight करो. Factor कौन कौन सा है? Soil है, rainfall है, light है and temperature. Okay? So the highlighted point is soil, जिसको बोलते हैं मिट्टी। मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप्स के लिए। अगर मिट्टी जो होता है प्रिमिटिव स्टेज में होता है यानी कि अगर वो वेटी है यानी कि गीली होती है तो उस टाइमिंग में सबसे ज्यादा क्रॉप्स का जो कंडीशन होता है वो होता है आपका खरीफ। खरीफ के टाइमिंग में जो जमीन होती है, जो सॉइल होती है, वो सूखना नहीं चाहिए, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वाटर रिसोर्सेज की जरूरत खरीफ को बहुत ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद क्या है आपका, रेनफॉल, पानी, जो बारिश होती है, तो बारिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन फसलों के लिए क्योंकि हाई क्वांटिटी में इनको क्या चाहिए, रेन चाहिए, ठीक है, तो रेन हाई क्वांटिटी में चाहिए, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज लाइट एंड टेम्परेचर। तो लाइट एंड टेम्परेचर जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन से मौसम में रहता है बताओ? समर डेज में सबसे ज्यादा रहता है। समर डेज में सबसे ज्यादा क्या रहता है, अब याद रखना, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है और टेम्परेचर जो होता है वो खरीफ में भी काफी ज्यादा होता है। धान को जनरली बहुत ज्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है, मतलब धान एक ऐसा फसल है जिसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, समझ में आ रहा है? तब जाके वो ग्रो होता है, तब जाके वो रेडी होता है, ठीक है। ओके, इसके बेसिस पे टू टाइप्स में हम लोग क्या किए हैं, क्रॉप को क्लासीफाई किए। द फर्स्ट टाइप इज खरीफ एंड ऑल्सो नोन एज ऑटम क्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो दिस क्रॉप्स नीड मच वाटर एंड हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ये जो क्रॉप्स है उसको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, वाटर चाहिए, यानी कि इसको रेन, रेन नहीं बोल सकते बट वाटर चाहिए, एंड बहुत ज्यादा क्या चाहिए, इसको हीट चाहिए। समझ में आ रहा पॉइंट? तो बहुत ज्यादा अगर पानी है, पानी चाहे वो रेन से हो चाहे आप बोरवेल से दो, लेकिन पानी उसको बहुत ज्यादा चाहिए एंड टेम्परेचर भी उसको उतना ही चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर तो आर्टिफिशियली दे नहीं सकते,
ठीक है, ये तो क्या होगा, नेचुरली होगा। नेक्स्ट देखो, दीज आर ग्रो इन द रेनी सीजन, दिस क्रॉप्स आर सो ड्यूरिंग मानसून दैट इज जून टू जुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब स्टार्ट होता है गाइस? जून से जुलाई के मंथ में इसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस टाइमिंग में इन सारे क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो जाता है, बुआई का काम हम लोग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मानसून का एंट्री ना आपकी स्टार्टिंग जून में हो जाता है। आप लोग देखोगे मानसून, जानते हो ना, मानसून यानी कि एक ऐसी हवा जिसकी वजह से बारिश होती है, बिना मानसून के आए बारिश हो नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाईलाइट कर लो, पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसमें। दिस क्रॉप सो इन द मानसून इन दैट इज जून टू जुलाई एंड आर रिपेड इन अक्टूबर नवंबर। चलो अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाता है, रिप्ड हो जाता है, अक्टूबर टू नवंबर इस मंथ में क्या होता है, फसल तैयार हो जाती है हमारी कटने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जो दीपावली का टाइमिंग आएगा ना, उस टाइम पूरा इसका क्या हो जाता है, क्रॉपिंग का हम लोग कटिंग वटिंग का काम कंप्लीट कर देते हैं, यानी नवंबर तक हमारा जो होता है फसल, एक फसल वो रेडी हो जाता है। आगे समझ में, यानी कि कितना मंथ का टाइम ले रहा है, देखो आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब कि फोर मंथ में ये रेडी हो जाता है, फोर मंथ का टाइम लगता है एक फसल, ठीक है। टोटल वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, मीन्स अगर एक को मैं फोर मंथ बोल रहा हूँ एक फसल को, तो वन ईयर में कितना क्रॉप्स ले सकते हैं हम लोग, 3 क्रॉप्स, है ना, 3 बार संकर करा सकते हैं। चलो उसके बाद देखो, ये फसल रेडी हो गया, इसमें क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या आएगा, सो मेन खरीफ ऑटम क्रॉप्स ऑफ अवर कंट्री आर पैडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैडी मीन्स राइस, राइस पैडी में डिफरेंस है ना, पैडी मतलब धान, राइस मतलब चावल, याद रखना, ठीक है, पैडी, मेज, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग बोलते हैं, मूंग जानते हो ना, अभी उसका बड़ा खाना अच्छे वाला है ना, बड़ा जानते हो ना, पकौड़े बनते हैं उसका मूंग का, ठीक है, तो मूंग ग्रीन ग्राम बोलते हैं उसको, याद रखना इंग्लिश में, आपका ब्लैक ग्राम जिसको बोलते हैं उड़द, ज्वार, मिलेट, सुगर कैन एंड कॉटन, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसको ऑटम क्रॉप्स भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस, दैट इज रबी एंड स्प्रिंग क्रॉप, रबी एंड स्प्रिंग क्रॉप, जस्ट इसके बाद, इसके जैसे ही होता है ना कल्टीवेशन, उसके बाद तुरंत ये स्टार्ट हो जाता है आपका रबी एंड स्प्रिंग क्रॉप्स, क्योंकि इसके लिए नमी तो चाहिए ग्रोविंग के लिए, यानी कि सीड्स को ग्रो करने के लिए नमी चाहिए होता है, वेटिंग चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ठीक है। आप देखना ये ड्राई, इसका जो होता है, जैसे कि जो चना होता है, देखना चने का जो खेत होता है ना, वो काफी ज्यादा ड्राई रहता है, फिर भी वो क्या होता है, ग्रो होता है, ओके। सो दिस क्रॉप्स नीड मॉइस्चर एंड लेस टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको मॉइस्चर चाहिए एंड लेस टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं चाहिए होता है इनको, सिर्फ कम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में देखना, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, आपको चारों तरफ क्या होता है, छींटे नजर आते हैं पानी के, जिसको ओस बोलते हैं, याद है ना, तो ओस इनके लिए, इन क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही उनको क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर, और इसी मॉइस्चर की वजह से वो जिंदा रहता है, ठीक है। एंड दीज आर ग्रो ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर का फर्स्ट ये स्टार्टिंग है, याद रखना, विंटर सीजन का, विंटर सीजन, दे आर सोन इन अक्टूबर टू नवंबर एंड रिप्ड इन मार्च अप्रैल, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है, इनका कल्टीवेशन, बुआई का काम करते हैं, और कब, मार्च, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल में क्या होता है, इनका कटिंग का काम कर लेते हैं, यानी कि इनका पूरा जो मिंजाई का काम बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज अप्रैल खुद बोलता है किसान, जानते ही हो, फसल हो गया तो हो गया, अदरवाइज गया, मैनेजमेंट तो किसान करता है, बट जो मेन होता है एक्शन मॉइस्चर एंड लैंड टेम्परेचर का, ये जो होता है वो नेचुरली होता है। अगर इस टाइम में ये आ जाए, यानी कि आपका मानसून वापस आ जाए और बारिश हो जाए, तो पूरा फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और यही लगातार 2 साल से हो रहा है, यानी कि सिर्फ किसानों को इन दोनों में से कोई एक ही फसल मिलता है, बाकी दूसरा फसल ऑटोमेटिकली खराब हो रहा है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, सो रबी स्प्रिंग क्रॉप्स आर क्या क्या है भाई, हाईलाइट करो, वीट मतलब कि गेहूं,
ओके आपका बेंगोल ग्राम जानते हो ना, चना चना वो बड़ा वाला आता है ना, छोले चना है ना वो, ठीक है। उसके बाद है आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों, ओके बार्ले, लेंटिल्स, मटर, मटर की जो फैमिलीज है, ठीक है। क्या हो गया, ओके पीगन पीज यानी कि अलहर एंड कुसुम एंड लिंसिड एक्सेट्रा, जितने भी ऑयलीज है वो सब के सब इसके अंडर आता है, ठीक है। जितने भी ऑयली सीड्स होते हैं उन सब का जो कल्टीवेशन है इस टाइमिंग में करते हैं, यानी कि आपके रबी एंड स्प्रिंग क्रॉप्स में करते हैं। जो नेक्स्ट होता है गाइस उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड जो क्रॉप्स इसके बाद होता है, कई फार्मर इसको जनरली यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स। और इसके अंदर क्या है देखो, सम क्रॉप्स यील्ड मोर इन ड्राई वेदर, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, सूखा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा ड्राई उनको वेदर चाहिए होता है। सो दिस आर यूजली सो इन द डिसम्बर टू फरवरी एंड बाय मार्च टू मई दिस क्रॉप्स आर रेडी टू रीप। चलो भाई जो आपका थर्ड टाइप का जो कंडीशन है, थर्ड जो है दैट इज क्रॉप्स, इनको क्या चाहिए, इनको हाई अमाउंट में क्या चाहिए, ड्राई वेदर चाहिए, ठीक है। मंथ कौन सा मंथ होता है जब इसका बेसिकली बुआई का काम करते हैं हम लोग, दिसंबर टू जनवरी, ठीक है, दिसंबर टू फरवरी, यानी कि इस टाइमिंग में इनका बुआई का काम होता है और इनका कल्टीवेशन होता है जनरली बहुत ज्यादा ड्राई सीजन में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्च टू मई। अब मैं कंडीशन आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये टाइमिंग है बुआई का काम और कटाई का टाइमिंग। पॉइंट ये है कि एक्चुअल में कई फसल ऐसे होते हैं इनमें से जो काफी टाइम यानी काफी लेट से ग्रो करते हैं, कुछ कंडीशन की वजह से, ज्यादा रेनफॉल की वजह से या फिर सीड प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉपर टाइम पे क्या नहीं हो पाता, ग्रो नहीं कर पाता। अगर प्रॉपर टाइम पे जर्मिनेट नहीं होगा तो प्रॉपर टाइम पे उसका कल्टिवेशन नहीं होगा, कटाई नहीं होगा, तो वो लेट से क्या होता है, लेट से उनका कटाई का काम होता है। यानी कि समझ लो कटाई उनका नवंबर तक होना था बट वो कटाई दिसंबर में कंप्लीट होता है, तो उस टाइमिंग में बाकी ये जो सीड्स है, ठीक है, जैसे कि बेंगोल आपका ग्राम है, ये सारी चीजें जो होती है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती, तो हम लोग थर्ड टाइप का जो होता है क्रॉप उसको यूज कर देते हैं। इसका क्या होता है, बेसिकली वहां पे हम लोग क्रॉपिंग करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है गाइस, देखो सम मेन क्रॉप्स आर वाटरमेलन, हाईलाइट करो वाटरमेलन, मकमेलन करो आपका, तरबूज एंड खरबूज हो गया, ककम्बर्स आपका, कुकुम्बर जानते हो, इसमें आता है आपका ककड़ी और आता है इसमें आपका खीरा, ठीक है दोनों, एंड बेसिकली सनफ्लावर, ग्राउंड नट एटसेट्रा, ये सारी जो क्या होते हैं स्पीसीज होते हैं वो सब के सब इसमें आता है। सब्जी हो गया जितने भी हैं वो सारे सब्जियों का क्रॉपिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ सब्जियों का जो कंडीशन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है रबी से, यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनका फार्मिंग यहाँ से स्टार्ट होता है रबी में, क्योंकि इस टाइमिंग में बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं उगाई जा सकती क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा रहती है, तो मेन ज्यादातर लोग इस टाइमिंग को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इस टाइमिंग में रास्ते जो होते हैं, खेत होते हैं, वो सब ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अगर इस टाइमिंग में करेंगे तो ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाता खेत के अंदर, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, उसके बाद है आपका जायद क्रॉप्स के बाद है मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो कितने सारे मेथड्स गिवेन है, पहला जो है सिलेक्शन ऑफ द लैंड, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि आप कोई भी क्रॉप्स लगाने से पहले जमीन का सिलेक्शन करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई भी क्रॉप्स को कहीं भी आप डाल दोगे, ऐसा होता नहीं है। जनरली आपका सीजी का जो सॉइल होता है वो बहुत सारी वैरायटीज का आता है, ठीक है, जिसमें क्ले सॉइल, ब्लू सॉइल, सॉरी क्ले सॉइल हो गया आपका, ब्राउन सॉइल एंड आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है, और आपका सैंडी सॉइल, ये सारे सॉइल्स के क्या होते हैं वैरायटीज होती है। कई जगह देखना जो सॉइल होती है बहुत काली होती है, ठीक है, जैसे बेमेतरा के एरिया काली मिट्टी यहाँ पे ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे पैडी को ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सैंडी सॉइल ज्यादा मिलता है, यानी कि उन सॉइल्स में क्या होता है, उन सॉइल्स में ज्यादातर क्या मिलता है, रेत मिलता है, रेतीला रहता है, देखे होंगे रेतीला जमीन रहता है, तो ऐसे सॉइल्स में ना हम लोग पैडी को ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी जगह पे कुछ दूसरे जो फसल होती है जैसे कि सोयाबीन हो गया और कुछ चीजें हैं उनको ग्रो करते हैं। ओके
तो ये पॉइंट्स होते हैं, ब्राउन सॉइल है, ठीक है, क्ले सॉइल है। मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के सिलेक्शन ऑफ लैंड, देन उसके बाद देखो सॉइल्स एंड लैंड का प्रिपरेशन एंड एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सीड ट्रीटमेंट। देखो पॉइंट्स को समझना, सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लैंड का सिलेक्शन करते हैं। जमीन सेलेक्ट हो जाने के बाद हम लोग उसके बाद होता है सीड का, ठीक है, सीड का सिलेक्शन और सीड का क्या करते हैं हम लोग, जर्मिनेशन का ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट समझते हो, सीड जो होता है ज्यादातर जो सीड किसान रखता है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। इसमें मैक्सिमम जो होंगे अगर देखे होंगे तो किसान अभी के टाइमिंग में जब क्या होता है, जब आपका समर डेज चलता है तो उस टाइमिंग में जितने भी उनको सीड चाहिए होता है क्रॉप के लिए, जितने भी क्रॉप का सीड चाहिए उन सबको अच्छे से सुखाता है वो। उसके बाद उसमें नीम के पत्ते डालता है और भी बहुत सारे मेडिसिन को एड करके उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके प्रॉपर रख देता है ताकि वो नेक्स्ट टाइमिंग के लिए यानी कि आपके अक्टूबर टू नवंबर के लिए रेडी रहे। उसको बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है जो सोसाइटी से, जितने भी कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं, ठीक है, वहां से गवर्नमेंट के थ्रू उनको डायरेक्ट मिलता है वो ट्रीटमेंट, जो ट्रीटेड जो सीड्स है उनका वो यूज कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ऑप्शंस होते हैं। सीड ट्रीटमेंट के बाद जो होता है सोविंग ऑफ सीड, उसके बाद है आपका स्लैटिंग मेथड। जानते हो आप सोविंग कर रहे हो मतलब जुताई का काम स्टार्ट हो जाएगा, जुताई के बाद प्लॉगिंग होता है, प्लॉगिंग मेथड यूज करते हैं जोतने के लिए, आजकल तो ट्रैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, जनरली प्लांटेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट होता है कि जनरली क्या किया जाता है, अगर प्लांटिंग नहीं कर रहा है, सोविंग नहीं कर रहा है, तो जिसको बोलते हैं सीजी में रोपा है ना, उसका यूज करते हैं, उसको पहले से ग्रो करके फील्ड में क्या करते हैं डायरेक्टली एड कर देते हैं। उसके बाद मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर का डिपार्टमेंट आता है, यानी कि उसमें अब खाद भी डालना है, ठीक है, फर्टिलाइजर भी डालना है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के आपको मैन्यूर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग मेथड जो टाइम टाइम पे होते रहता है, ओके। उसके बाद है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन समझते हो, बीच बीच में पानी भी देना पड़ता है ना, ऐसा नहीं, इरिगेशन के लिए नहर यूज करते हैं, बोरवेल्स यूज करते हैं, दो मेथड होता है, ओके। इरिगेशन के बाद ड्रिप इरिगेशन, ये सब पॉइंट्स है। फिर वीडिंग और वीड कंट्रोल। उसके बाद जैसे ही फसल थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको मैं जनरली समरी बता रहा हूँ, इसको डिटेल पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे ही आप खेत में देखना क्या होता है, जनरली वीडिंग जब बढ़ता है, वीड जानते हो, वीड जानते हो, वीड खरपतवार जिसको बोलते हैं, नहीं जानते। अगर मैं बस बेसिकली लगाया हूँ पैडी का प्लांट और वहां पर कोई दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसको बोलते हैं वीड, ठीक है। अनवांटेड ग्रोविंग प्लांट उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसको सीजी में बोला जाता है बन या कचरा। बन कचरा जानते हो ना, है ना, इसमें एक वो भी होता है क्या, कोई वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल जिसको भाजी बोलते हैं, खाते हैं शायद उसको, है ना, वो भी उसमें ग्रो हो जाता है अनवांटेड फॉर्म से, तो उनको भी क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके लिए फिर वही है फावड़ा, ये सब चारी जो होती है वो सब यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इरिगेशन हो गया, वीड कंट्रोल हो गया, देन इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिए, फसल रेडी हो जाता है, कटिंग करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग के बाद जो भी है डायरेक्ट आपको क्या मिलता है, सीड, फिर उसको मार्केट में क्या करते हैं, सेलिंग का काम बचा है। तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो इनका पूरा डिटेल क्या क्या मेथड यूज होगा, किसको क्या बोलते हैं, वो सब यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा मैं इसका मेथड, ओके।